कहानी की शुरुआत में हम एक समुद्री जहाज को देखते हैं। वहां दो रैट्स अपना खाना चुरा कर जा रहे होते हैं, तभी एक कैट उन पर हमला करती है। वो दोनों भागने लगते हैं और इसी भागदौड़ी के चक्कर में उस जहाज का एक आदमी उड़ जाता है। उसे वहां से कुछ दूर पे कोई चीज जलती हुई दिखाई देती है। वो अपने बाकी के आदमियों को इसके बारे में बताता है। उसका एक आदमी जाकर अपने कैप्टन को जगाकर बताता है कि यहाँ से कुछ दूर पे उन्हें एक जलती हुई चीज दिखाई दे रही है। उनका कैप्टन अपने दूरबीन से देखता है, वहाँ एक घर में आग लगी हुई थी और वहीं एक आदमी भी लटका होता है और उसके आसपास कई जानवर भी होते हैं। वो जल्दी से अपने जहाज को वहाँ तक ले जाने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग उस लटके हुए आदमी के पास हैं, जिसका नाम रॉबिन्सन था। वो लोग उसे उठाकर अपने साथ अपने जहाज में ले आते हैं। तभी वहाँ मैक नाम का एक पैरट आता है जो रॉबिन्सन का दोस्त था। रॉबिन्सन उसे उठाकर खिड़की के बाहर कर देता है ताकि वो लोग इसे कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। बाहर आकर मैक को वो दोनों रैट्स मिलते हैं, जिन्हें वो रॉबिन्सन की कहानी सुनाने लगता है। कुछ साल पहले की बात है, मैक अपने छोटे से आइलैंड पे रहा करता था। वो हर दिन यही सोचा करता था कि यहाँ इस आइलैंड के बाहर भी एक दुनिया होगी और वो एक दिन जरूर वहाँ जाएगा। पर वहाँ उसके बाकी के दोस्तों को उसकी ये बातें बकवास लगती थी। उसके बाकी के दोस्त में थे रोजी, किकी, एपी, कार्मेलो, स्क्रबी और पेंगो। वो दिन भर अपना खाना ढूंढते और मजे करते थे। उस दिन मैक को समुद्र के किनारे एक अंगूठी मिली थी, जिसे वो उन्हें दिखाकर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये यहाँ किसी बाहरी दुनिया से आया है। पर हमेशा की तरह कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। आगे हम रॉबिन्सन को देखते हैं जो एक जहाज से कहीं जा रहा होता है, पर उसका ये शायद पहला सफर था, इसलिए उसे वहाँ बहुत उल्टियाँ हो रही थी। उसके साथ उसका डॉग टाइगर भी होता है। वहीं शिप के बेसमेंट में दो कैट्स रहते थे जो ऊपर आकर वहाँ के चिकन्स को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी टाइगर आकर उसे भगाने लगता है और रॉबिन्सन उसे पकड़कर वापस से बेसमेंट में फेंक देता है। कुछ देर बाद एक बड़ा तूफान आने लगता है। उस आइलैंड के सारे जानवर अपने गुफा की ओर जाने लगते हैं। रॉबिन्सन भी तूफान की वजह से अपने जगह पर टिक नहीं पा रहा था। उसका जहाज बहुत तेजी से लहरों के साथ हिचकोले खा रहा था और तभी उस जहाज के ऊपर का एक हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिरने लगता है। वो अपने आप को और टाइगर को लेकर बेसमेंट में बंद हो जाता है और वो दोनों वहीं अटक जाते हैं, जहाँ वो दोनों कैट्स भी होते हैं। रॉबिन्सन के बाकी के लोग एक छोटे से बोट पर बैठकर निकल जाते हैं और वो अपने डॉग के साथ वहीं जहाज के बेसमेंट में फंसा रह जाता है। इधर वो सारे जानवर अपनी गुफा में सो रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने आइलैंड के पास एक बहुत जोर की आवाज़ सुनाई देती है, पर अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह होते ही वो सारे किनारे पे तलाश करने लगते हैं कि तूफान में क्या क्या बहकर आया है। तभी उन्हें वहाँ किनारे पे एक बड़ा सा शिप दिखाई देता है। सब सोचने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैक जाकर देखने लगता है कि ये क्या है। वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से बाहर वाकई में कोई और दुनिया है। तभी उसे उस शिप से टाइगर और रॉबिन्सन बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। मैक और सारे जानवर उन्हें देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। वो सारे जानवर उसे एक दानव समझ रहे थे जो उन्हें खाने के लिए यहाँ आया है। रॉबिन्सन टाइगर को लेकर किसी तरह उस आइलैंड तक पहुँचता है। इतने दिनों बाद जमीन को वापस से देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो सारे जानवर उससे बहुत डरे हुए थे। वो लोग किसी तरह भी उसे वहाँ से भगाने का आइडिया सोचने लगते हैं और फिर वो सारे मिलकर वहाँ बहुत शोर मचाने लगते हैं, जिसे सुनकर रॉबिन्सन बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ आदमखोर रहते हैं। वो टाइगर को लेकर वापस जाने लगता है, पर पानी की तेज लहरों की वजह से वो दोनों वापस से आइलैंड पे ही आ जाते हैं। मैक अपने बाकी के दोस्तों से कहता है कि वो लोग उससे छुपे रहें, तब तक वो उस पर नज़र बनाए रखेगा और पता करेगा कि वो यहाँ क्यों आया है। रात में रॉबिन्सन डॉग के साथ वहीं अपने टूटे जहाज पे बैठा था और मैक ऊपर से उस पर नज़र रख रहा होता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत डरने लगता है। उसे लगता है कि आदमखोर उसे खाने के लिए आ रहे हैं, पर वो देखता है कि वहाँ एक बकरी थी जो अपना खाना ढूंढ रही थी। वो समझ जाता है कि वो बेकार में ही इतना डर रहा था, यहाँ कोई आदमखोर नहीं रहते। और तभी वो मैक को भी देखता है। अब वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि उसे यहाँ कोई खतरा नहीं है। अगली सुबह रॉबिन्सन अपने जहाज से जो कुछ भी सामान था उसे उतारने लगता है ताकि पानी उसे बहाकर ना ले जाए। वो सारे जानवर उसके इस हरकत को अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो करना क्या चाह रहा है। इधर वो दोनों कैट्स भी उसी आइलैंड पे थे और वो वहाँ ऊपर से उन जानवरों पे नज़र रखे हुए थे कि कब मौका देखकर उनमें से किसी एक को वो अपना शिकार बना सके। रॉबिन्सन को जहाज में कुछ बंदूकें भी मिलती है और वो उन्हें चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो सारे जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। रॉबिन्सन अब उस बंदूक को लेकर अपने लिए कुछ खाने को ढूंढने निकलता है। तभी उसे वहाँ रोजी दिखाई देती है। वो उसका शिकार करने का सोचता है, पर जब रोजी उसकी ओर देखती है तो उसके हाथों से बंदूक नहीं चलती, क्योंकि इसके पहले उसने कभी किसी का शिकार नहीं किया था। वहाँ वो दोनों कैट्स भी अपनी शिकार की तलाश में थे। रॉबिन्सन रोजी को छोड़कर जाने लगता है। तभी वहाँ मैक आता है और वो देखता है कि रोजी अपना खाना ऐसे ही छोड़कर भाग गई है। तभी एक कैट झपट कर उसे पकड़ लेती है और उसे वो खाने वाले होते हैं कि टाइगर उन कैट्स पे हमला कर देता है और
और इसी में मैक का एक पंख घायल हो जाता है। तभी रॉबिन्सन वहाँ आता है और उनकी तरफ बंदूक से फायर करता है। वो दोनों कैट्स वहाँ से भाग जाते हैं। रॉबिन्सन घायल मैक को उठाकर अपने साथ ले आता है ताकि वो उसकी मरहम पट्टी कर सके। रोजी अपने बाकी के दोस्तों को लेकर उस जगह आती है और उन्हें वहाँ मैक के कुछ पंख मिलते हैं। वो समझ जाते हैं कि उस आदमी ने मैक को मार दिया है। तभी उनके पास वो दोनों कैट्स आती है और उन्हें बताते हैं कि वो आदमी बहुत बुरा है। उसने उन दोनों को बहुत दिनों तक बंद करके रखा और उसने मैक को भी मार दिया। वो दोनों उन जानवरों को उसके खिलाफ भड़काने लगते हैं और उसे यहाँ से भगाने को कहने लगते हैं। सारे जानवर डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी को यहाँ के पास वाले टापू पे भगा देंगे जहाँ सिर्फ कीड़े मकोड़े रहते हैं। इधर रॉबिन्सन मैक के पंख को थोड़ा सही कर देता है और उसे वहीं कुछ दिन ठीक होने के लिए रख लेता है। मैक वहाँ टाइगर को देखकर काफ़ी डर जाता है, पर टाइगर उससे कहता है कि उसे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो दोनों कैट्स उन जानवरों को थोड़ा डरावना बना देते हैं ताकि उन्हें देखकर रॉबिन्सन डर के मारे ही भाग जाए। वो दोनों कैट्स उस जहाज पे मैक को मारने जाते हैं और बाकी के सारे जानवर नीचे रॉबिन्सन पे हमला करके उसे मारने लगते हैं। वो दोनों कैट्स मैक पे झपटते हैं। टाइगर उन्हें उनसे बचाने की कोशिश करता है, पर वहाँ जल रहे कैंडल के गिरने से आग लगने लगती है और तभी एक बड़े से रैक के गिरने से टाइगर उसके अंदर दब जाता है। अब पूरे जहाज में आग लग जाती है। मैक तो वहाँ से बाहर निकलकर बच जाता है, पर टाइगर उसी में मारा जाता है। वो दोनों कैट्स किसी तरह बचते हुए किनारे तक पहुँचते हैं, पर वो दोनों इस बार वहाँ के बगल वाले टापू में आ गए थे जहाँ सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। रॉबिन्सन टाइगर की गम में था, तभी मैक उसके पास जाता है। अब वो दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैक अपने बाकी सभी दोस्तों को भी बता देता है कि ये आदमी बुरा नहीं है, बल्कि वो दोनों कैट्स की यह सारी गलती है जिनकी वजह से वो घायल हुआ और टाइगर भी उसे बचाने के चक्कर में मारा गया। सारे जानवर भी अपने आप पर शर्मिंदा थे कि उन्होंने उन कैट्स की बातों में आकर उस अच्छे आदमी पर हमला किया। वो सारे रॉबिन्सन के पास पहुँचते हैं। वो अपने साथ कुछ फ्रूट्स भी लेकर जाते हैं। अगले दिन रॉबिन्सन के पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था और तब मैक उसे लेकर एक जगह पे जाता है जहाँ बहुत सारा पानी था पीने के लिए। वो उसे लेकर बाकी के जानवरों के पास भी जाता है। रॉबिन्सन भागकर वापस जाता है और अपने साथ लाया हुआ कुछ बिस्किट्स उन्हें खाने को देता है जो उन्हें काफ़ी पसंद आती है। धीरे धीरे उन सब में दोस्ती हो रही थी। रॉबिन्सन अपने रहने के लिए वहाँ एक पेड़ के ऊपर अपना घर बनाने लगता है। सारे जानवर उसे पागल समझ रहे थे कि पता नहीं क्यों ये पेड़ को काटे जा रहा है। उसे अकेले घर बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बाकी के जानवरों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाह रहा है और वो ना चाहते हुए भी उसके काम में बाधा बने हुए थे। तब एक दिन मैक को समझ आता है कि ये इंसान अपने लिए एक घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है और वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपने रहने के लिए एक इंसानी घोंसला बना रहा है और उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। सारे जानवर मिलकर उसकी मदद करने लगते हैं और बहुत जल्द उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। उसने उस घर में पानी का भी इंतजाम किया हुआ था। वहाँ बाकी के जानवरों के रहने के लिए भी काफ़ी जगह थी। उन सब की लाइफ अब बहुत आसान हो चुकी थी। अब उन्हें अपने खाने पीने के लिए कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी। सब खुशी खुशी रहने लगे थे, पर रॉबिन्सन कभी कभी बहुत उदास हो जाता था। उसने टापू के बगल में एक बड़ा सा टावर बनाया था जिसमें वो हर रात तेज रोशनी करता था ताकि कोई गुजरती हुई जहाज की उस पर नज़र पड़े और उसे वहाँ से लेकर अपने घर जाए। इधर उस टापू पर उस कैट ने अपने बहुत से बच्चों को जन्म दिया था और वो सब अब और भी ज़्यादा हो गए थे। वो हमेशा वापस से उस टापू पे जाने के बारे में सोचते रहते थे और एक दिन उस जहाज के टूटे हुए लकड़ियों का सहारा लेते हुए वो सारे कैट्स उस टापू पे पहुंच जाते हैं और वहाँ के जानवरों पे हमला कर देते हैं। रॉबिन्सन अपने बंदूक में बारूद भरने लगता है ताकि उन्हें भगा सके, पर उस पर बहुत से कैट्स हमला कर देते हैं जिससे उसकी बंदूक वहीं गिर जाती है और वो उनके एक हमले की वजह से नीचे गिरने वाला होता है। पर किसी तरह मैक उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है जिसके सहारे वो सही सलामत नीचे आ जाता है। पेंगो और एपीपी उन कैट्स को वहाँ पानी आने वाले रास्ते से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। स्क्रबी और किकी वहीं ऊपर रूम में छुपे हुए थे और उन कैट्स को अंदर से ही मारने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को बचा रहे थे। रॉबिन्सन वापस अपने रूम में आने की कोशिश कर रहा था, पर रोजी की गलती से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। सारे कैट्स उन्हें बाहर से घेर चुके थे। मैक उनसे रॉबिन्सन की बंदूक का इस्तेमाल करने को कहता है। स्क्रबी उन कैट्स को अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ देर में ही सारे कैट्स अंदर पहुँच जाते हैं और तभी कार्मेलो अपनी लंबी जीप से उस बंदूक को चला देता है जो सीधा जाकर बारूद के एक बैग में लगती है और वहाँ एक धमाका होता है। सारी कैट्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर मैक उनसे कहता है कि वो लोग फिर से आएंगे, इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं और मैक उन कैट्स को अपने पीछे भगाता हुआ उस ऊँचे टावर के अंदर लेके चला जाता है और उसके एक इशारा देते ही रोजी बाकी सभी के साथ मिलकर उस टावर को गिरा देती है। सारे कैट्स वहीं पानी में गिर जाते हैं, पर वो सब एक लकड़ी के टूटे टुकड़े पर सवार हो जाते हैं। पर तब तक उनके घर में पूरी तरह से आग लग जाती है। मैक जल्दी से जाकर रॉबिन्सन को बचाने की कोशिश करता है। वो रॉबिन्सन को एक रस्सी की मदद से नीचे उतारने में सफल रहता है और तभी उस जहाज ने उसके ऊपर पानी की बौछार कर दी
और रॉबिन्सन को पकड़कर वो लोग यहाँ ले आए। वो दोनों रैट्स बताते हैं कि ये लोग समुद्री लुटेरे हैं और ये लोग अब रॉबिन्सन को छोड़ने वाले नहीं हैं। उस जहाज का कैप्टन अपने आदमियों से रॉबिन्सन को पकड़कर रखने को कहता है। इधर वो सारे कैट्स उस लकड़ी के टुकड़े को भी उस जहाज की तरफ लाने लगते हैं। रॉबिन्सन भी वहाँ का एक बोट चुराकर भागने वाला होता है, तभी वहाँ के सारे डाकू उस पर हमला कर देते हैं। वो सारे कैट्स उस जहाज पर चढ़ जाती है और रॉबिन्सन वहाँ से कूदकर उनके लकड़ी के टुकड़े पर आ जाता है, जिसे वो जल्दी से उस आइलैंड की तरफ उनसे दूर भगाने लगता है। जहाज का कैप्टन भी उसे जाने देता है कि वैसे भी वो उस आइलैंड पर अकेले मर ही जाएगा। मैक उन दोनों रैट्स को भी अपने ऊपर बिठाकर उस आइलैंड पर ले आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।